नाम छे। चारित्र छे ते धर्म छे, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्रम धम्मो, चारित्र छे छे मने है। चारित्र है वह धर्म है। जैन धर्म किसका नाम है? चारित्र का नाम है। अब प्रश्न खड़ा हो गया कि जैन धर्म चारित्र का नाम है, चारित्र का नाम धर्म है। हम धर्म को लगाते हैं क्रियाओं से, पानी छानने से, रात्रि भोजन से, त्याग से, मंदिर बनाने से, तीर्थ यात्रा करने से। कमाल की बात है, पूरे के पूरे जैनी जैन धर्म से दूर। क्या कह रहा हूँ? पूरे जैनी क्योंकि जैन धर्म तो ये है, चारित्र छे ते धर्म छे, धर्म छे ते सामने छे। अब चारित्र, अब फिर समस्या आ गई। हलो हलो जी, कैसा है? हलो, समझ में आ रहा है कुछ? अब फिर प्रश्न खड़ा हो गया कि भाई चारित्र क्या है, धर्म क्या है? तो धर्म है साम्य। साम्य माने बीत रखता, साम्य माने समता भाव। समता भाव मतलब, समझ में तो कम आएगा लेकिन मैं बोल रहा हूँ, यदि मैं कहूँ शत्रु मित्र में समता तो समझ में आ जाएगी आपको। शत्रु और मित्र में समता, ये आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन ये नहीं है, इससे भी टॉप क्वालिटी की साम्यता है, वह है हर कंडीशन में ध्रुव दिखाई देना। विकारी पर्याय में भी और निर्विकारी पर्याय में भी हमें ध्रुव ज्यों का त्यों दिखाई दे रहा है, अप्रभावी सुरक्षित ध्रुव दिखाई दे रहा है, इसका नाम है साम्य भाव। पढ़ चुके हैं आप 3-4 दिन, इसलिए आपको समझ में आ रही होगी ये बात। हीरा पानी में गिर जाए या गटर में गिर जाए या दूध में गिर जाए, तीनों कंडीशन में आपको साम्य भाव है। क्यों, क्या फर्क पड़ा? दूध में जाकर क्या बढ़ गया? क्या कीचड़ में गिर के घट गया? क्या हीरे का कुछ नहीं बिगड़ा? तो हीरे को ज्यों का त्यों देखना साम्य भाव है। ऐसे ध्रुव को विकारी पर्याय और निर्विकारी पर्याय के बीच में एक रूप देखने का नाम साम्य भाव है। इसका नाम चौथा गुणस्थान है, इसका नाम चौथा गुणस्थान है। मिथ्यात्व के काल में भी मैं ध्रुव हूँ और सम्यक काल में भी ध्रुव हूँ, दोनों काल में समता देखने का नाम साम्य भाव है, चारित्र है। लोग कहते हैं चौथे गुणस्थान में चारित्र नहीं होता। आप आगे जाओगे ना समाज में, आपको मुनि पक्ष में बात बहुत मिलेगी कि वो तो सातवें गुणस्थान से शुरू होता है, मुनि दीक्षा के बाद चारित्र होता है। लेकिन भाई साहब, अशुद्ध पर्याय से प्रभावित देख लेना ये आचारित्र है, अशुद्ध पर्याय से अप्रभावी देखना ये चारित्र है। साम्य भाव है, समता का भाव है, समता का भाव। हीरे का दृष्टांत दिया भी आपको, समझ में आया आपको? हीरे का कोई दृष्टांत समझ में आया? बोलो, भिकारी पर्याय के काल में भी ध्रुव है कि नहीं? निगोद में भी ध्रुव था कि नहीं? साम्य भाव की बढ़िया गाथा ट्रांसलेशन हिंदी में है, बढ़िया जोरदार। जो निगोद में अंतर भेद गिने संसार, भेद गिनने से संसार है और अवेद देखने से मोक्ष, समता देखने से मोक्ष, ठीक। और वो साम्य क्या है कि जीव न मोह क्षोभ विहीन, मोह क्षोभ विहीन, वह साम्य भाव किसे कहते हैं? मोह और क्षोभ रहित। मोह माने दर्शन मोह और क्षोभ माने चारित्र मोह। एकाग्र हो, क्या बात हो, तुमने सुनी नहीं 2-3 लाइनें? क्या देख रहे, कोई तकलीफ? एकाग्र हो बिल्कुल, इसलिए मैं बिल्कुल शांति से पढ़ा रहा हूँ। एकाग्र होकर पढ़ो, इधर आ जाओ ना, सामने क्यों नहीं आते? बहुत जगह पढ़ी सामने, दूसरी बेंच में, वहाँ तुम बिल्कुल बेकार एक साइड बैठो, इधर आओ बीच में। सर को हीरो और सर को बहुत जगह है अपने पास, दो जने बैठो सीट पर, आओ और पास आ जाओ। हाँ, तुम लोग उधर क्यों बैठे? इधर इधर बीच की सेंटर खाली पड़ा है। हाँ, अब भूल, अब तुम सुन ही नहीं पाए, बहुत काम की बात है। क्या गए, मैंने अब ये समझो, एक गाथा तुम्हारे लिए बेकार चली गई,
बहुत मुद्दे की बात बताई थी लेकिन बेकार चली गई। तो साम्य भाव क्या है? मोह क्षोभ विहीन, मोह माने दर्शन मोह से रहित और क्षोभ माने चारित मोह से रहित। अब अगली गाथा निकालो बेटे, कौन सी निकालोगे? ग्यारहवीं बारहवीं गाथा निकालो। ग्यारहवीं बारहवीं गाथा में मैं वो टीका दिखाना चाह रहा हूँ, टीका खोलो इसकी, ग्यारहवीं बारहवीं गाथा की टीका देखो ये क्या लिखा है। शुद्धोपयोग उपादे है और सोपयोग हे है ना। हाँ अत्यंत हे संपर्क से रहित, अब चारित्र परिणाम के साथ संपर्क रहित होने से जो अत्यंत हे है, अत्यंत हे मैंने पढ़ाया था आपको, अत्यंत हे, ये अत्यंत हे है। और स्वभाव के बारे में लिखा है कथनचित हे कथनचित उपाधि, देखो ऊपर लिखा है स्वीकार करने में, मिला पांचवी लाइन, स्वीकार करने में असमर्थ है, काय को असमर्थ, काय को विरोधी शक्ति सहित होने से। स्वभाव कैसे है? विरोधी शक्ति सहित होने से। सोपयोग स्वभाव कैसा है? विरोधी शक्ति सहित होने से स्वीकार करने में असमर्थ है। और कथनचित विरुद्ध कार्य करने वाला है, कथनचित विरुद्ध कार्य करने वाला है, कौन? स्वभाव, स्वभाव। इसलिए वो कथनचित, कथनचित विरुद्ध कार्य करने वाला होने से, चारित से युक्त होने से, जैसे अग्नि से गर्म किया हुआ घी किसी मनुष्य पर डाल दिया जावे तो वह उसकी जलन में दुखी होता, उसी प्रकार वह स्वर्ग सुख के बंधु को प्राप्त होता है। इसलिए शुद्धोपयोग उपाधि है और शुभोपयोग हे है। और आगे आगे कहेंगे वो कथनचित हे उपाधि है, बता चुके हैं, केवल आपको टीका दिखाना थी इसलिए बताइए। अब आ जाओ अपन लोग ज्ञान अधिकार, और ज्ञान अधिकार में 23वें नंबर की गाथा, 23 नंबर की गाथा है। जीव द्रव्य ज्ञान चाहो तो इसी गाथा में मैं आगे की सारी गाथाएं पढ़ा देता हूं तो अपना ज्ञान अधिकार पूरा हो जाएगा। पहले पढ़ा देता हूं फिर अपन इसमें से देख लेंगे कहां कहां क्या कहा है, बराबर। जीव द्रव्य माने अपन ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान प्रमाण है मतलब जितना ज्ञान उतना मैं और जितना मैं उतना ज्ञान, अर्थात मैं ज्ञान 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 से ही बना हूं और ज्ञान में ही रहता हूं, जितना मैं हूँ वो ज्ञान है और ज्ञान के अलावा मेरे में कुछ नहीं, सरल बात है। शक्कर मिठास प्रमाण है, अनुमान लगाओ कैसी होगी शक्कर, मिश्री मिठास प्रमाण है। तो बहुत सारी चीजों की निषेध आ गया कि मिश्री या शक्कर वो डब्बे में रहने पर भी डब्बा से भिन्न है, डब्बा प्रमाण नहीं है। शक्कर में मिठास प्रमाण कह करके शक्कर में मैल है, समझते होंगे आप मैल, चाशनी बनाते हैं तब उसमें मैल चढ़ता है, ऊपर ऊपर आता है, तो मैल प्रमाण नहीं है, मिठास प्रमाण है। ऐसे ही ज्ञान गेय प्रमाण नहीं है। आत्मा कैसा है? ज्ञान प्रमाण। और ज्ञान कैसा है? गेय प्रमाण। ज्ञान कैसा है? गेय प्रमाण। आत्मा ज्ञान प्रमाण है, द्रव्य जीव द्रव्य ज्ञान प्रमाण, और ज्ञान कैसा कि गेय प्रमाण। शक्कर कैसी है कि जो दूध को मीठा करे, खीर को मीठा करे, जहां जाए उसी को मीठा करे। इससे अपने को मिठास की पहचान हो गई कि हम जिसमें भी डालेंगे उसको मीठा कर देगा। ऐसे ज्ञान कैसा है? गेय माने पदार्थ, गेय माने पदार्थ, लोकालोक के पदार्थ हैं। तो ज्ञान जिन जिन को भी जानता है उससे हमें पता लगता है कि ज्ञान कितना की केवल ज्ञान, ज्ञान कितना की मति ज्ञान, ज्ञान कितना की अवधि ज्ञान। तो हमें गेयों से ज्ञान नापने में आता है, बराबर, कठिन तो नहीं है। आत्मा को नापते हैं ज्ञान से और ज्ञान को नापते हैं गेयों से, बोलो।
अभी अपन देखो इनमें से किसी बच्चे को देखें तो सारे बच्चे एक जैसे लग रहे हैं। अब हमें कैसे मालूम पड़ेगी कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है और कौन कम? अब इंटेलिजेंसी का ज्ञान तो नहीं दिख रहा किसी का भी, तो हम इनसे गे पूछेंगे। गे गे मैंने पदार्थों के बारे में पूछेंगे, तुम्हें कितने फ़ोन नंबर याद हैं, तुम्हें कितने नंबर याद हैं, तुम्हें कितने नंबर याद हैं, फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर हो गया गे। अब मान चलिए एक बच्चे को 1,00,000 फ़ोन नंबर याद हैं, 1,00,000 नंबर फ़ोन नंबर याद है। प्रेमचंद जी के बारे में बोलते हैं उनके उसमें नंबर फीड नहीं है मोबाइल में, उन्हें सबके नंबर याद है, सबके नंबर याद हैं, जितने भी उनको काम आते हैं 100, 200, 500, 1,000 लोग सबके नंबर याद हैं और फटाफट रिंग कर लेते हैं वो। तो अब हम समझ गए अरे अभी हम में से कई लोगों को तो हो सकता है 2-4 फोन नंबर से ज़्यादा याद ही ना हो, ठीक। तो अब ज्ञान को कैसे नापा हमने? गेयों से। पॉइंट नोट किया जाए, ज्ञान को नापा, गेयों को नहीं नापा। हमने तो 100 फोन नंबर इसलिए पूछे थे कि तुम्हारा पता लग जाएगी तुम इंटेलिजेंट हो कि नहीं। ऐसे आत्मा की इंटेलिजेंसी नापने के लिए गेयों से नाप लगाते हैं। गेयों से कीमत नहीं लगाना। अनंत भगवान इसलिए महान नहीं कि वो लोकल लोग को जानते हैं, तुम्हें बताने के लिए कि वो कितने इंटेलिजेंट है, इसलिए हम कहते हैं कि वो लोकल लोग को जानते हैं। अगली बात समझ में आई? समझ में आई बात? अनंत भगवान की कीमत नहीं है केवल ज्ञान। अनंत भगवान को केवल ज्ञान से महान मत मानना, ये तो तुम्हें समझाने के लिए कि केवल ज्ञान कितना महान है, हम कहते हैं लोकल लोग को जानते। समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे मैं हूँ, आप कोई प्रश्न पूछो उत्तर नहीं दे पाऊँ तो आप झट हंसने लगोगे, अरे पंडित जी इतनी सी बात नहीं मालूम। और मान चलो मैं कहूँ कोई सा ही प्रश्न पूछो और आप कहीं का भी ग्रंथ, कहीं का भी द्वादशांग में से प्रश्न पूछो और मैं फटाफट ग्रंथ दिखा दूँ, गाथा दिखा दूँ, टीका दिखा दूँ, तो तुम्हें झट लगेगा पंडित जी की महिमा है। समझ में आया कुछ? तो गेयों से ज्ञान को नापते हैं और ज्ञान से आत्मा को नापते हैं। कुछ कहा है बहुत महत्वपूर्ण बात, ने माने और, नीचे ने लिखा है मौने और गे लोकालोक। गे कितने हैं विश्व में? लोकालोक प्रमाण, तब तो लोकालोक को जानते हैं, तो गे लोकालोक है। तेथी सर्वगत ए ज्ञान छै, इसीलिए तेथी माने इसलिए, तेथी माने इसलिए ज्ञान सर्वगत है। क्या मतलब? इसीलिए ज्ञान सबको जान लेता है, क्योंकि ज्ञान का काम है गेयों को जानना, इसलिए ज्ञान लोकल लोग को जान लेता है। कठिन लग रही होगी आज की गाथा, मुझे पता है आपका चेहरा दिख रहा है कठिन लग रही। अब मैं फिर से समझाता हूँ, आपको यही तो लगता है हमारे पास इतना सा ज्ञान, बीए का ज्ञान, कनिष्ठ का ज्ञान, वरिष्ठ का ज्ञान, शास्त्री फाइनल का ज्ञान, इतना सा ज्ञान। और भैया एक से एक विद्वान देखे तुमने, धड़ाधड़ धबला, तो तुम्हें लगता है ना तुम ऐसे आत्मा हो। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि तुम गेयों से मत नापो ज्ञान को, गेयों से अपने को नापोगे तो दीनता आएगी, और गेयों से केवल ज्ञान को भी नहीं नापो, नहीं तो आपको दीनता आएगी। इस समय मैं और तुम एक समान हैं, क्योंकि तुम भी ज्ञान प्रमाण हो और मैं भी ज्ञान प्रमाण हूँ। क्या बोला हमने? तुम भी ज्ञान प्रमाण हो और मैं भी ज्ञान प्रमाण हूँ। बस यहाँ सम्यक दर्शन हो गया अपने को। दृष्टांत, मेरे पास भी इतना बड़ा दर्पण और आपके पास भी इतना बड़ा दर्पण, ओके? क्या कहा? तुम्हारे पास भी आईना और मेरे पास भी आईना। आपने इस कमरे में लगा दिया, इतना सा झलक रहा है, और मैंने पूनम की रात में आकाश के सामने ऐसे रख दिया ऐसे, तो उसे पूरा आकाश झलक रहा है पूरा। अब मैं पूछ रहा हूं इन दोनों दर्पणों में क्या अंतर है, क्या अंतर है? आपको ऐसा लग रहा है मेरा बैड लक है इतना सा झलक रहा है? ओ कितना झलक रहा है इस दर्पण में, आपको इसकी महिमा आ रही है? बोलो, जैसे इस दर्पण की महिमा नहीं आ रही, इतना कुछ झलक रहा है, इतने चांद तारे झलक रहे हैं, क्यों? अरे मेरा दर्पण वो दर्पण तो, और जब मेरा दर्पण भी इधर से निकल के वहां रखाएगा तो कितना झलकेगा? बोलो, तो लोकालोक झलकने पर ज्ञान बढ़ता है कि घटता है?
और इतना सा मति सुध ज्ञान झलकने पर दर्पण घटता है क्या? ज्ञान घटता है? ओहो, बस सम्यक दर्शन हो गया, अब तो अनंत तो मेरे में कोई अंतर ही नहीं है। अरे मजा आ गया, तुम्हारा दर्पण ऐसा, मेरा दर्पण ऐसा। समझ में आया कि नहीं आया? एक दर्पण नहीं आए हैं, देखो ये दर्पण देख रहे, ये दर्पण दिख रहा है, देख लो बस ये दर्पण। अब हम अपने इसको उल्टा करते थे तो इतना सा झलकेगा नीचे का, उल्टा करें और ऐसे कर दें तो पूरा झलक रहा है। तो ऐसे करने पर घट गया, ऐसे करने पर बढ़ गया, कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही मेरा ज्ञान अभी ऐसा है पर सन्मुख, तो इतना सा झलक रहा है, और भगवान का ज्ञान अंतर सन्मुख हुआ तो लोकालोक झलक गया, तो जहां में इनकी का बड़ाई है। क्या कह रहे? अरण सिद्ध भगवान की का बढ़वा रही है बुंदेलखंडी, जहां से वे का बड़े हो गए। हम लोग दर्पण ऐसा धरो से तो झलक रहा, और ऐसा कर दो तो अरे तो तुम्हारे हमारे में कछु अंतर ही नहीं, क्योंकि आत्मा ज्ञान प्रमाण है। इसकी संस्कृत निकालो, बड़ी प्यारी भाषा है इसकी संस्कृत। हाँ ऊपर है, देख कितना बढ़िया। आदा नान पमानम, आदा आदा आदा, जीव लिख दिया ना, थोड़ा कमजोर हो गया वहां। जीव ज्ञान प्रमाण है, वो थोड़ा कमजोर हो गया। जीव का असली अर्थ है आदा, मतलब आदा नान पमानम, नानम ने अपमान मो दिठम, लेयम लोया लोयम, तम हानानम तु सब गयम। कितना सरल हो गया, कितना सरल हो गया। मैं तो ज्ञान प्रमाण हूँ और भगवान भी। अब एक 80 नंबर की गाथा पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, वहां कहेंगे अरहंत में और मेरे में द्रव्य गुण पर्याय से समानता है, ऐसा जानने से सम्यक दर्शन हो जाता है। बराबर समझ में आया? अब इसी ज्ञान अधिकार में यदि आप चाहो तो एक एक लाइन पढ़ाऊं, पढ़ा देता हूं। निकालो बेटे अगली गाथा निकालो इसमें से। हाँ रख दिया, हाँ निकालो अगली गाथा पढ़ो भाई। क्या लिखा, कहाँ गया चश्मा? नहीं कहाँ रख दिया चश्मा? अरे अब भी रखा है। चलो हाँ भाई निकालो फटाफट, अब निकालो गाथा नंबर, डिटेल तो पढ़ लेना आप। 27 नंबर, आ गई हिंदी निकालो, हिंदी हाँ पढ़ो भाई। बहुत सरल है, थोड़ी हिंदी होती तो शायद आपको और मजा आ जाता है इसमें थोड़ा सा, लेकिन अपन पढ़ेंगे। इतना मजा आ रहा है मुझे पहले से ही, पढ़ाने से पहले ही मजा आ रहा है इसमें तो, है ना। देखो, है ज्ञान आत्मा जिन मते, जिन मत में ज्ञान आत्मा है और आत्मा के बिना ज्ञान नहीं है। सरल हो गया बिल्कुल, ज्ञान आत्मा है, ज्ञान आत्मा है और आत्मा के बिना, सरल भाषा, शक्कर के बिना मिठास नहीं और मिठास के बिना शक्कर नहीं। इसे न्याय शास्त्र में भाव कहते हैं अविनाभावी, नाम सुना है? अविनाभावी, अविनाभावी। आत्मा राग के बिना रह सकता है लेकिन ज्ञान के बिना नहीं रह सकता। आत्मा शरीर के बिना रह सकता है लेकिन
बोल। हाँ बोल बोल। हाँ नहीं रह सकता, बिल्कुल ठीक। हाँ आत्मा पत्नी के बिना रह सकता है? किसके बिना नहीं रह सकता? ज्ञान के बिना। क्या गजब है, अनादि अनंत ज्ञान के संग रहने वाला कह रहा है मेरे में ज्ञान नहीं, पत्नी नहीं है। काश पत्नी होती, ढोरू पत्नी के बिना रह सकता है लेकिन तू ज्ञान के बिना? सिद्धालय में सबके बिना रह सकता है लेकिन? पैसा के बिना रह सकते हो? अब आदमी क्या करता है, पैसा पाने के लिए ज्ञान छोड़ देता है और पैसा चला गया, हाय अब हम क्या करें। अरे तो ज्ञान तो है तेरे पास, आनंद काय से होता है, पैसे से कि ज्ञान से? केवल ज्ञान काय से होता है, पैसा से कि केवल ज्ञान से? ज्ञान से ही। मतलब मोहराग देश पैसा से मिटता है कि ज्ञान से? ले सारे समाधान ज्ञान में है और फिर भी मोदित कह रहा है मेरे में ज्ञान नहीं है। कि नहीं ज्ञान नहीं है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा एक प्रश्न का जवाब दे दो, मजा आ जाए। देखे जवाब बढ़िया, 100 का नोट इनाम मिलेगा, खड़े हो जाओ, डन ना मैं। 100 रुपये का क्वेश्चन, हॉट सीट। भगवान अनंत में और मेरे में क्या अंतर है? तेरे में और भगवान अनंत में क्या अंतर है? वो दर्पण वाला दृष्टांत देके समझाना है, यदि समझ में आ गई होगी तो बता दोगे। अब इससे ज्यादा क्लू नहीं देंगे, देखो भाई ज्ञान 90% बता रहा हूँ। बोल भाई जल्दी बोल। दर्पण वाला दृष्टांत अनंत में और मेरे में क्या अंतर है? अरे हम दर्पण का दृष्टांत है, बताओ। उन्हें तो सब दिख रहा हूँ, हमें इतना तो दिख रहा हो, तो हमारा तो ज्ञान कम है और भगवान को ज्ञान ज्यादा है, और हम कह रहे हैं समान है, तो समान सिद्ध करो जल्दी से। कोई करेगा नहीं क्या? वेरी गुड वेरी गुड। हाँ कौन कौन करेगा? अभी 2-3 बार पढ़ा दिए इसलिए पूछ रही। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बोलो भाई क्या कितने हाथ है तुम? कोई बात नहीं। बोल भाई फुटेरा 100 रुपये नहीं देंगे, जाए के लाज 100 हैं। हाँ। अपना ज्ञान वो दर्पण उल्टा है। हाँ। उनका ज्ञान झलक रहा है और हमारा ज्ञान अभी ढका हुआ है। बढ़िया, थोड़ा थोड़ा शब्द अटकटा रहे लेकिन समझ गए है ना। बढ़िया शब्द बोलोगे, अब तुम खड़े रह क्यों, बैठ जाओ, तुम समझाओ भैया अच्छे से, सुनना ध्यान से। बोले तुम बोले बिना नहीं बैठोगे, नहीं तुम 100 रुपये उल्टे ले। हाँ दर्पण जब ऐसे रखोगे तो थोड़ा सा दिख रहा है, और ऐसे रख दिया तो सारा दिख रहा है। अब तुम इतना से बता दिए 100 रुपये मिल जाती, अब बता लो, अब बता दे भाई 10 रुपये हमें दे दी। बोलो भाई। हाँ तो कितना दिखेगा? वो तो सही दिखेगा, बिल्कुल सही। और हाँ अब तुम में और अनंत में कहाँ अंतर है, अब बता दो तो कछु दे दें, तुम कछु तो दें। हैं काय तुम्हें कम काय जला गया बस, यही को उत्तर चाहिए भाई। तुम में काय कम झलक रहा, उनमें पूरा काय झलक रहा, जल्दी बोलो। बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बढ़िया। अब जगी हो हैं, कौन बोलेगा इसका उत्तर? बढ़िया बोल, मधुर आवाज बोल बेटे, बोल। आर्जव ना बोलो। कौन बोलेगा बढ़िया उत्तर? हाँ बोल बेटे, बैठो बैठो बैठो, कोई बात नहीं। जो अनंत भगवान है उनके ज्ञान पे आवरण नहीं है लेकिन हमारे ज्ञान पे आवरण है। क्यों? पर सन्मुख ज्ञान कम जानता है, स्वयं सन्मुख ज्ञान पूरा जानता है। हम बाहर बाहर देखते तो हमारा ज्ञान कम होता है, और जो आत्मा है वो ध्रुव को जानते हैं, उनको लोकालोक जानने में आ जाता है। समझ में आ गया सबको? अब अच्छा हुआ बोले तेरे से पूछ लिया तो सबका पक्का हो गया। मोदित को धन्यवाद। शिवपुरी हैं तुम तो मोक्ष के हो, शिवपुरी माने तो मोक्ष होता है। बहुत बढ़िया, आगे चलो। तो आत्मा, हाँ अब चलो अगली गाथा में क्या आ गया?
एकादशी का पन्नीवार। अभी ये हिंदी कहाँ से आ गया? अरे ग्रंथ बदल दिया, बहुत बढ़िया, तो सरल हो गया अपने। रे हाँ, आत्मा के बिना जग में ज्ञान हो सकता नहीं है। ज्ञान आत्मा, किंतु आत्मज्ञान भी है अन्य भी। अब ये देखो अटपटी भाषा हो जागी है, उतनी मजा नहीं आ जितना वहां लिखो था। हे ज्ञान आत्म, किंतु आत्म ज्ञान भी है अन्य भी। अब ये बिल्कुल अटपटी हो गई हमारी, तो भाई भाई अत्यंत भाई लिखा रही है, हमें तो भाव में जल्दी समझ में आ रही है। कोई पुरानी वाली वो अच्छी है अपनी। देखो ज्ञान आत्मा, ज्ञान आत्मा कहा है जिनवाणी में, और आत्मा के बिना ज्ञान नहीं होता। इसलिए कारण छे ज्ञान, इस कारण से ज्ञान जीव, जीव ज्ञान है, ज्ञान जीव है, जीव ज्ञान है। इस कारण ते कारण माने इसलिए है ज्ञान जीव, जीव ज्ञान है। देखो यहाँ छह ज्ञान जीव, यहाँ जीव ज्ञान छह, व अन्य छह, व अन्य छह। इसका मतलब है इसके अलावा बाकी सब अन्य, माने हम गे नहीं है, बाकी सब गे है, और मैं ज्ञान जीव है, जीव ज्ञान है, और जीव अन्य नहीं है, अन्य अन्य है। बढ़िया समझ में आ गया ना, कितना सरल हो गया इसमें। अगला ले, अगला। हाँ अन्य गुण भी है, व अन्य छे माने व अन्य गुण भी है, अन्य द्रव्य रूप नहीं है, अन्य का भी निषेध हो गया। ठीक है चलो अगले ले। अन्य छे का मतलब बाकी सब गे है, हमने गे कह करके अन्य गुणों को भी गे में डाल दिया। चलिए आगे, ज्ञानी ज्ञान स्वभाव है, अर्थो गे रूप है, माने लोकल लोग गे रूप है, ज्ञानी ना, ज्ञान और ज्ञानी के ज्ञान का बाकी सब गे, दो चीज हो गई, ज्ञानी का ज्ञान और ज्ञानी के ज्ञान का विषय गे। फिर से कह रहा हूं, ज्ञान और गे, अब दो रह गए, ज्ञानी का ज्ञान कह दो, ज्ञान कह दो, एक ही बात है, ज्ञान और गे दो चीज हो गई। कितनी चीज हो गई? कौन कौन सी? ज्ञान और गे। अब क्या कह रहे हैं देखो, ज्ञान और गे के जम रूप छे नेत्रों तड़ा नहीं वर्तता अन्योन्य मां। जे थोड़ी भाषा कठिन लग रही होगी, सरल कर देता हूं। जैसे आंख मुदित को देखती है, मुदित गे और मेरी आंख ज्ञान, बराबर। मैं तुम सबको देखता हूं तो तुम सब क्या बन गए? मेरे गे, और मेरा मेरी मेरा आंख क्या बन गई? ज्ञान। अब इसमें एक शब्द लिखा है, नहीं वर्तता अन्योन्य मां, अन्य अन्य में नहीं वर्तता, अन्य अन्य में नहीं वर्तता। कठिन भाषा है, कठिन है, ये सरल कर दे रहे हम। बिल्कुल साफ साफ देखो, क्या मेरी आंख में मुदित आ गया? क्या मुदित में मेरी आंख चली गई? तो नहीं वर्तता मतलब मेरे में मुदित नहीं, मुदित में मैं नहीं। ज्ञान गेयों में नहीं जाता और गे ज्ञान में नहीं जाते। नहीं वर्तता अन्य अन्य मां, ज्ञान और गे दो चीज है, ज्ञान गेयों में नहीं जाते और गे ज्ञान में। अब तो समझ आ गया आपको, ज्ञान गेयों में और गे ज्ञान में, बहुत फायदे की बात है, बहुत ही फायदे की बात है, अनंत आनंद की बात है। कल हमने आपको पढ़ाया था 320 नंबर की गाथा, आंख में अग्नि झलकने पर भी आंख गर्म नहीं होती, ये वही वाली बात है। आंख अग्नि में नहीं गई थी इसलिए जली नहीं, और अग्नि आंख में नहीं आई इसलिए आंख गर्म हो ही नहीं। आंख अग्नि में चली जाती तो जल जाती, और अग्नि आंख में आ जाती तो आंख गर्म हो जाती, कुछ तो होता। ओहो, आत्मा दुखी क्यों नहीं होता? प्रश्न। टोटली सुरक्षित क्यों है? प्रश्न। कौन है सुरक्षित? टोटली ध्रुव। क्यों है सुरक्षित? क्योंकि वो कर्मों को जानता तो है लेकिन कर्म आत्मा में नहीं आते, और आत्मा कर्मों में। चार गति से सुरक्षित क्यों है? बोलो आप, बोलो आप।
हाँ, आत्मा चार गति को जानती तो है, जाती नहीं है, और चार गति आत्मा में। अब आगे बोलो, मोह राग द्वेष में आत्मा सुरक्षित क्यों है? आपको पता है मैं कितनी बड़ी बात पढ़ा रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है। मैं सच बताऊँ, नाचने का मन कर रहा है। मोह का अभाव करने की विधि ज्ञान गेय में नहीं जाता, और गे ज्ञान में नहीं जाते, इसलिए सुन रहे हो, मोह का अभाव हो गया। पूछो, तीन बातें तो बोली आपने, कर्म गति और विकार। जरा ध्यान से सुनो, इधर देखो, उधर मत देखो, इनके बेकार चीजें, इधर देखो। बोलो भाई, अपना पाप का उदय जानने में आया, दुखी होना मोह है, और दुखी नहीं होना निर्मोहता है, मैंने मोह का अभाव हो गया। बताओ भाई, पाप के उदय में पैसा चला गया तो मैं दुखी क्यों नहीं होऊंगा? पाप का उदय आया, पैसा चला गया, दुखी क्यों नहीं होऊंगा? पाप का उदय मेरे में नहीं आया, और पैसा भी मेरे में से गया ही नहीं, केवल हमारे ज्ञान में जानने में आया, और ज्ञान पैसे के साथ गया नहीं, ज्ञान पापोदय में गया। ओहो, मोह मिट गया, पत्नी मर गई, दुखी क्यों नहीं हुआ? ये पत्नी को ज्ञान मेरे में आया, जानकारी तो हुई, लेकिन मेरा ज्ञान पत्नी में गया नहीं, और पत्नी मेरे ज्ञान में। पुण्य के उदय में स्वर्ग चले गए, मजा आ गया, ये मोह है। पुण्य के उदय में स्वर्ग गए, मजा आया, ये मोह है। इस मोह का अभाव करके बोलो बेटे, कौन बोलेगा? प्रैक्टिकल, बहुत मजेदार, मेरा तो नाचने का मन कर रहा है। हाँ बोलो, क्यों? क्योंकि मैं स्वर्ग में गया नहीं, और स्वर्ग मेरे में। बोलो भाई, गाली तुम्हें दी, बुरा लग रहा नहीं, लग नहीं रहा? क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि ज्ञान गाली में, और गाली ज्ञान में। क्या गजब, तुम्हारा 1 करोड़ का हीरा है, और मैं कह रहा हूँ कांच है, कोयला है, कोयला, तो तुम गुस्से में फेंक दोगे? वही हीरा दे के मारोगे हमें? काहे, क्यों नहीं मारोगे बोलो? क्योंकि तुमने हीरे की बुराई की है, और हीरा बुराई में गया नहीं। अब तो नाच रहा है, मन नहीं नाच रहे। बोली, मोक्ष जाना है पक्का, मोह मिटाना है, मिटाना है। बोल भाई, तेरा चश्मा टूट जाए तो तू दुखी होगा कि सुखी होगा? नहीं होगे दुखी, दुखी नहीं होगे, दुखी क्या बात है भाई, ये सबरे बंद ही हो जाता हमारे पास। हेलो, 2 सेकंड ये भी चले गए। बोलो भाई, मुझे क्यों दुखी नहीं होगे? जल्दी बोलो, 10 का नोट है नाम। अरे यार, हमने तो पुतगल कही नहीं। 20 का नोट, 30। अरे बोल भाई, बोल भाई, तेरा चश्मा टूट जाए तो तू दुखी होगा तो क्या कहलाएगा वो? हमारा मतलब ये है कि चश्मा टूटने पर दुखी होना क्या है? मोह है। अब इस मोह से बचने का उपाय बोलो भाई। मेरे में आया ही नहीं। हाँ, ज्ञान में चश्मा आता नहीं, और चश्मा में ज्ञान जाता नहीं। टूट गया तो टूट गया, मेरा क्या टूटा? आ गया समझ में? आ गया। चलो अब आगे चलते हैं। अगली गाथा, बड़ा मजेदार गाथा है, पढ़ना पूरी टीका। चलो भाई पढ़ो अगली गाथा, 29 नंबर। बहुत सरल है, कितना अचंबा है, अचंबा। हमारी आंख पेड़ में गई नहीं, और फिर भी पेड़ जानने में आ गया, इतना बड़ा, इतनी सी आंख, इतना बड़ा पेड़, और झलक गया। रंग रंग, मल्टी कलर्स,
मल्टी कलर्स आंख में घुसे नहीं, और उसने जान लिया, और उसने जान लिया, गजब। तो देखो गजब। इसको अमृतचंद स्वामी लिखते हैं शक्ति की विचित्रता। ये कोई अद्भुत योग्यता है, अद्भुत विचित्रता है। इतना सा ज्ञान और लोक लोक को जानता है। इसके लिए हमारा भजन है नानू मारू ज्ञान करतु केवल ज्ञान, नानू मारू ज्ञान करतु मोटू काम। ये तो आनंदकारी बात है। बताओ क्या कमाल है। इसमें शक्ति की विचित्रता है। ज्ञान गेहूं में नहीं जाता, ज्ञान में नहीं आते हो, फिर भी जान लेता है। अभी आपको मजा नहीं आ रहा होगा। बताओ भाई, हवाई जहाज को देखकर हवाई जहाज का ज्ञान हुआ या ज्ञान में से हवाई जहाज का ज्ञान आया? हवाई जहाज में से ज्ञान नहीं आया। अब बताओ हवाई जहाज पहले था कि ज्ञान पहले था? बताओ। 100-100 माला की बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी, गूगल, मोबाइल, सॉफ्टवेयर, तुम्हें आज इनकी महिमा आ रही है। मैं पूछ रहा हूँ ये सब पहले था या ज्ञान पहले था? तो अब ये बताओ, पूरा भौतिक बात महान, मेरा क्या लगा? ये तो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान महान। गूगल, डूडल, क्या क्या बना देते, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, और क्या, इंटरनेट, सर्वर, 100-100 माला की बिल्डिंग, अंतरिक्ष, तमाम ज्ञान। ये तो हमारे सड़े सड़ाए ज्ञान का कमाल है। जब केवल ज्ञान होगा तब देखना क्या होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अब बोलो भाई, ये कोई अद्भुत शक्ति है कि आत्मा का इतना सा ज्ञान दिखता है छोटा सा, और लोकालोक को जान लेता है। ये शक्ति की विचित्रता है, माने सर्वज्ञ होना हमारी शक्ति की एक विचित्रता है। आप देखना, आप नई नई कहानियाँ सोच के लिख देते हैं, नए नए भजन लिख देते हैं, नई नई पिक्चर बन जाती है, नई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, इसके बावजूद भी मिथ्या दृष्टि को भौतिक बात की महिमा आती है, अपने ज्ञान की महिमा नहीं आती, और सम्यक दृष्टि को अपने ज्ञान की महिमा आती है। और जब ज्ञान की महिमा आती है तो चौथा गुणस्थान, और जब ज्ञान की महिमा प्रकट होता है तो 13वां गुणस्थान। कौन बोलेगा? बोल भाई बोल। 100 का नोट देना तो है मुझे तुझे। कैसे लेगा ये, तुझे करना है भाई, पकड़ भाई, ये पकड़ नहीं चाहिए अभी भी। बोल कौन बोलेगा भाई, अंतिम लाइन। ज्ञान की महिमा आती है तो बोल बेटे, नाचो, आनंद करो। अभी अभी सही बताया ना तुम्हें, सब लोग क्या कहते हैं, बुद्धू हो, कच्छ नहीं यार है। अभी जरा तुम मोबाइल वो नहीं निकाल पाओ, रेलवे का टिकट, ए कच्छ नहीं जाना है, रुपये ट्रांसफर नहीं कर पाओ बैंक, ए लल्लू। माने भौतिक बात से हमारी तुलना कर रहे, हम लल्लू हैं। अरे भौतिक बात जड़ है, और मैं मेरे ज्ञान की महिमा से ये सब हो रहा है। क्या कमाल है। तो अब अपनी महिमा आई है सम्यक ज्ञान, चौथा गुणस्थान, और अपनी महिमा प्रकट हो गई तो मजा करो, मजा करो, आगे चलो। चौथा हुआ कि नहीं हुआ किसी को? कर लेना आज, अपनी महिमा तो करनी है। आगे पढ़ो भाई, अगली गाथा अगला ले लो। एक कौन सा ले लोगे? गाथा 32 नंबर की गाथा ले लो। बत्तीस नंबर की गाथा। ये तो सरल है, बिल्कुल ही सरल है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अब आ जाओ अपन सुख अधिकार में। इसको समझा दूं, गुजराती की वजह शायद नहीं समझ में आई। सर्वज्ञ भगवान की बात की है। सर्वज्ञ भगवान है प्रभु केवली ना ग्रहे न छोड़े, माने गेयों को ना तो ग्रहण करते हैं और ना छोड़ते हैं, कुछ नहीं करते। वो ना अपना ज्ञान छोड़ देते हैं, ना उनका गेय ग्रहण करते हैं, अपना ज्ञान भी नहीं छोड़ते। और पर रूपे ना पर्णमे, और भी पर रूप भी पर्णमे,
नहीं होते हैं, बिल्कुल सरल। देखे अने जाने निशेष, निशेष माने लोकालोक पूरा, देखते जानते हैं सर्वतः ते सर्वने, सब प्रकार से सबको, सब प्रकार से सबको, फिर से बोलो, सब प्रकार से सबको, सब प्रकार से माने द्रव से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, सबको, तो सबको त्रिकालवर्ती जानते हैं। ऐसा नहीं जीव जीव को जानते, पुद्गल को नहीं जानते, एक एक परमाणु का द्रव गुण पर्याय को, तीन काल की पर्यायों को जानते हैं। जो आपने परिभाषा पढ़ी है सर्वज्ञ की, ये वो परिभाषा है, जो तीन लोक तीन काल के समस्त पदार्थों को एक साथ जान लेते हैं, ये वही परिभाषा है, इसी गाथा से आई है। अब आ जा बेटे सोग अधिकार में, चर्चाएं तो बहुत है, बढ़िया जोरदार 53 नंबर की गाथा, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, वो आपको समझ में नहीं आए तो हाथ खड़ा कर देंगे, रिपीट कर देंगे, बराबर। हाँ पढ़ो भाई, 53 नंबर की गाथा में क्या कह रहे हैं। यहाँ से सुख अधिकार चालू हो रहा है, पहले शुद्ध उपयोग अधिकार था, फिर ज्ञान अधिकार आया, फिर सुख अधिकार आया, ये देख के मिल जाएगा तो आप रट लेना इसे, शुभ परिणाम अधिकार आएगा इसके बाद, तो अपन अभी चर्चा करते हैं। देखो हाँ आगे 53 बोलो, अर्थानु ज्ञान अमूर्त मूर्त, अर्थ दो तरह के हैं, मूर्तिक और अमूर्तिक, दुनिया में अर्थ दो तरह के हैं, कौन कौन से बता सकते हो, मूर्तिक और कौन सा, अमूर्तिक कौन सा, पुद्गल मूर्तिक, धर्म अधर्म, आकाश काल जीव अमूर्तिक। अर्थानु ज्ञान अमूर्त मूर्त अतीन्द्रिय ने इंद्रिय, इंद्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान कठिन तो नहीं लग रहा, कर लोगे अर्थ करो, पुद्गल कहा तो बताओ हम कहा, दो तरह के अर्थ, दो तरह के पदार्थ, मूर्तिक अमूर्तिक, इनका ज्ञान भी दो तरह का, इंद्रिय ज्ञान और अतिंद्रिय ज्ञान। छह सुख पण एवुज, ऐसे ही त्या सुख पण एवुज, त्या प्रधान जे ते ग्राह छे, जो प्रधान है उसको ग्रहण करती है, कैसे मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनो। ऊपर क्या बोला था, अर्थानु ज्ञान दो तरह का है, अमूर्तिक और ज्ञान भी दो तरह का, इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान, ऐसे ही सुख भी दो तरह का होता है, मूर्तिक सुख अमूर्तिक सुख, इंद्रिय सुख अतीन्द्रिय सुख, इतना कहना है। बाकी सबको डिटेल करेंगे आगे, उनका निषेध करेंगे, कैसे कैसे करेंगे वो देखना। फिर से बोलो, इंद्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान, उसी प्रकार सुख भी इंद्रिय सुख अतीन्द्रिय सुख। आपने इंद्रियों वाला पाठ पढ़ा होगा, इंद्रियों वाला पाठ बालबोध में, उसमें एक बात लिखी है कि इंद्रियों का ज्ञान कराते कराते, जैसे इंद्रिय है तो आत्मा में इंद्रियां नहीं है, जैसे इंद्रियां ये हैं ऐसे इंद्रिय ज्ञान भी है, और इंद्रिय ज्ञान के समान ही इंद्रिय सुख भी ये है। अभी जल्दी में नहीं समझ में आया होगा आपको, लेकिन समझाएंगे अभी। फिर से इंद्रिय ज्ञान समझाई देता हूँ, नहीं समझ में आ रहा, मुझे चेहरा दिख रहा है आपका, मुझे देख लो। चलो, इंद्रियां धोखा देती हैं और अतीन्द्रिय ज्ञान हमको धोखे से बचाता है, बोलो। इंद्रिय ज्ञान धोखा नहीं देता, देता है, और अतीन्द्रिय ज्ञान हमें धोखे से कभी नहीं बचाता, बचाता है। दृष्टांत, आंखों से हवाई जहाज इतना सा दिख रहा है तो इंद्रिय ज्ञान धोखा दे रहा है, पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग दूर होने पर वो पतंग गोल गोल दिखने लगती है, दशमलव जैसी गोल गोल दिखती है, इंद्रियां धोखा दे रही है। यहाँ की पटरी चौड़ी दिख रही है और जाके आगे ऐसी लगी जैसे मिल गई हुई, दोनों पटरी, इंद्रियां धोखा दे रही, धोखा दे रही। ऐसे ही हमें इंद्रिय सुख धोखा देता है, क्या बोला हमने, क्या बोला, इंद्रिय धोखा दे रही है,
क्यों आवाजा इतना सही होता है ना? तो ये किसके बल पे बोला आपने? इंद्रियों से तो दिख रहा है इतना सा है, तुम्हें कौन बता रहा है? ये अतीन्द्रिय ज्ञान कह रहा है, हवाई जहाज बड़ा है, पतंग चौकोर है, समझ में आ रही बात? आगे चलो। ऐसे इंद्रिय ज्ञान धोखा देता है, कान अम्मा कह रही मार डालूंगी, बोलो फिर मम्मी अच्छी लगती है कि बुरी लगती है? क्यों लग रही है अच्छी? ये कान धोखा देता है, तेरी मम्मी ने बोला कि नहीं हड्डी पसली तोड़ दूंगी? मेरी मम्मी ने कहा, तेरी मम्मी नहीं बोलेगी? और नहीं बोली कभी? आज घर आ तेरी टांग ना तोड़ू तो? किसी से कहा कि नहीं? कहा भाई हाँ देखो तो इससे कही, तेरे से नहीं कही। क्या यार तुम जो मम्मी है कि नहीं है और टांग ना तोड़े? समझ में आ रहा है? हमारा कहने का मतलब है कि कान से यदि भरोसे रहोगे तो धोखा खाओगे। कोई तुम्हें गाली दे रहा है, अब कान के भरोसे रहोगे तो दुखी हो जाओगे, अतीन्द्रिय ज्ञान के भरोसे रहोगे तो सुखी हो जाओगे। ऐसे ही इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख है। आंखों से लग रहा है फिल्मों में हीरो हीरोइन क्या बढ़िया गाना गा रहा है, काश कोई अपनी भी शादी करा दे। अब उन हीरो हीरोइन की असली दुनिया देख लो जाके, अरे ये भी दुखी, इनको भी तलाक। ओ तो इंद्रियों से जो सुख दिखाई दे रहा था, अतीन्द्रिय ज्ञान से मालूम पड़ेगा तो अतीन्द्रिय सुख से मालूम पड़ेगा कि ये धोखा है। तुमने देखा है वो कोको कोला? कोको कोला, अब विज्ञापन देख देख के तुम्हें बार बार लगता है मजा है मजा है मजा है। मैं भी सोचता था विज्ञापन देख देख के, मैं बहुत सोचता था कि मजा आता होगा। हमारे जमाने में 1 रुपए की मिलती थी, 1 रुपए की। उस जमाने में हमें पॉकेट मनी मिलती थी 5 पैसे, तो 1 रुपया तक इकट्ठा करने के लिए 20 दिन पैसा इकट्ठे करो तब 1 रुपया इकट्ठे हुए। 5 पैसे की पॉकेट मनी। एक बार बारात में गए हम भोपाल, बारात में गए तो बारात में मजा आ गया हमें। वहाँ 4 तरह की ड्रिंक थी, कोको कोला, फेंटा कोला, सोडा कोला, नहीं क्या क्या होते, 4 पार की एक क्या होती है ऐसे लिमका ऐसे 4। तो अभी सबके रंग रूप दिखाई दे रहे हमें देख के, हमने एक पी के देखी है सत्यनाशी। चलो कछुए बाम हुई है लिमका वाले में केसरिया कलर, हमने बाएँ चक के देखी है जाना भी कछु नहीं। जिंदगी में एक ही दिन पियो 4 तरह की, चारों के स्वाद सत्यनाशी। फिर जब उस समय मोबाइल नहीं आए थे, मोबाइल का जमाना आ गया, टीवी भी उस समय नहीं आई थी, टीवी का जमाना आ गया। अब हमने जब पूरी रिसर्च मालूम पड़ी तो आज की तारीख में ये मालूम पड़ रहा है कि उसमें जहर है। हम रोज विज्ञापन देख रहे थे, हीरो पी रहा है, हीरोइन पी रही है और थम्स अप, हाँ एक थम्स अप भी थी। मालूम पड़ा सब। इसको एक बात कहते हैं, दूर के ढोल स्वाब ने, और पास जाकर देखो तो पता लगता है कि ढोल में भी पोल है, ढोल में भी पोल है। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, इंद्रिय ज्ञान भी होता है, ऐसे इंद्रिय सुख होता है, अतिंद्रिय ज्ञान होता है, ऐसे ही अतिंद्रिय सुख होता है। 4 तरह का भेद है। ए सुख एक प्रकार का है, कथन 2 प्रकार की, ज्ञान तो एक ही प्रकार का है लेकिन कथन बराबर। मूर्त का ज्ञान, अमूर्त का ज्ञान, 4 प्रकार का ज्ञान है कि 1 प्रकार का? कोई दृष्टांत देके समझाया हो 4 प्रकार का ज्ञान कैसे है और कैसे 1 प्रकार का ज्ञान है? बोलो। ए घड़ी तो बग गई, अपन ने तो बहुत सारी गाथाएं देखना थी, कोई बात नहीं अपन बैठेंगे अभी 5 मिनट। हाँ भाई बोलो। तो देखो पानी तो एक ही प्रकार का है, H2O। पानी कितने प्रकार का है? H2O एक प्रकार का, लेकिन हम कह देते हैं लेटरिन का पानी, किचन का पानी, नहाने का पानी, नदी का पानी, टंकी का पानी, मोटर बोर का पानी, बोर हैंडपंप का पानी। पानी कितने प्रकार का हो गया? पानी कितने प्रकार का हो गया? एक एक प्रकार का, लेकिन कथन अलग अलग हो गए। ऐसे सुख भी एक ही प्रकार का है, वो आत्मा का। हम ठगे जा रहे हैं, इंद्रिय का सुख, पैसे का सुख, पत्नी का सुख,
बच्चे का सुख, हाँ घर का सुख, खेत का सुख। पत्नी रो रही है बेचारी, करोड़पति अरबपति होके भी रो रही है, सुंदर होके भी रो रही है, स्वस्थ होके भी रो रही है। बिछूड़ी को सुख, बिछूड़ी नहीं समझ में, बिछूड़ी कहा, चांदी की पहने हम चांदी, सुनने की नहीं बनवाई। अब मैंने सुनने की बनवा दी तो अब नकली सुख हुआ, इंद्री सुख। थोड़ी देर बाद फिर रोने लगी, उनकी सेठानी की बाह में बिछूड़ी में हीरा जड़ी, तुमने हीरा नहीं जड़वाए। अगली बार बिचारे वो चाइना की हीरा जड़वा ले आओ, नकली वाली। अभी इंद्री सुख हुआ उसे, और फिर रोने लगी, चाइना को ले आए, असली नहीं ले आए, पन्ना वाली। बता भाई, सुख कितने प्रकार का है? एक ही प्रकार का है, लेकिन कथन उनका अलग अलग है। अभी मैं आपसे कहूँ आपको पानी पीना है तो H2O ही पियोगे ना, बात तो सही है। तो हम आपसे कहें, ए भैया इन्हें पानी पिया दे बेटा, और ले आइयो बाथरूम में रखो है लैट्रिन में, तो सुनते से कैसा लग रहा है आपको, लैट्रिन का पानी कैसा लग रहा है? अरे पानी तो पानी है, लैट्रिन को है पी लो। बोलो कैसा लग रहा है आपको, कि जैसे ही हमने लैट्रिन का पानी कहा तो हमारा मन खराब हो गया, हट तुमने हमें कहा समझ रखो। तो हमने कही भैया पानी तो पानी है, एक काम करो भैया, पीवे के घड़ा में बल ले आओ भैंस है, आप कह दो पीवे को पानी। हाँ अब ठीक है, समझ में आ रहा है, मुझे कुछ कहना है इसमें से। जब पर का ज्ञान कहा जाता है तो इतना ही दुखद होता है। जब तुम कहते हैं ना हमें पॉलिटिक्स का ज्ञान है तो ये दुखद है, जब तुम कहते हैं हमें केमिस्ट्री का ज्ञान है तो ये दुखद है, जब तुम कहते हो हिंदी का ज्ञान है, अंग्रेजी का ज्ञान है, तो ये दुख की बात है। अरे वास्तव में तो ज्ञान, ज्ञान किसका है? तो सुख कितने प्रकार का हुआ? एक। और ज्ञान कितने प्रकार का हुआ? एक। चलो भाई एक आध गाथा और पढ़ रहे अपन, एक आध गाथा और देखता हूँ। अच्छा 80 ले लें, 80 बाकी पढ़ लेना, बड़ी सरल है, बहुत मजेदार है। मैं एक बात तो बता ही दूंगा, ओरल ही बता दूंगा। हाँ 80 की और पढ़ लो, चलो 84 भी है अच्छी, इसकी 84 भी पढ़ लेना। हाँ भाई बोलो, तसु माने उसका, तसु माने उसका, मोह पामे, पामे माने मोह पाता है, लय माने नष्ट, खरे माने सचमुच, उसका मोह सचमुच नष्ट हो जाता है। फिर से बोलो, देखो देखो एक एक शब्द देखो, हमने मीनिंग बोला आपने देखा नहीं फिर भूल जाओगे आप। फिर से देखो, तसु माने उसका, मोह माने मोह, लय माने नष्ट, पामे माने हो जाता है, खरे माने सचमुच। अब अर्थ करो, उसका मोह सचमुच नष्ट हो जाता है, किसका? जे 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 जो जो जानता है अरहंत ने, अरहंत के गौण द्रव्य ने माने और पर्याय पने, जो अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, ते जीव वह जीव जाने आत्मा ने, वो जीव आत्मा को जानता है। अब तो आप 3-4 दिन में सब समझ ही गए, कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं दिख रही, तो फिर भी एक जरूरत है थोड़ी सी बता दे रहे। द्रव्य कैसा है? तो 100% सेम, उनका द्रव्य मेरे द्रव्य में कोई अंतर नहीं है, असंख्यात प्रदेश में कोई अंतर नहीं है, उनके अनंत गुणों में कोई अंतर नहीं है, तो द्रव्य और गुण तो हो गए बराबर। और पर्याय में एक गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? कि हमारा दर्पण पर सन्मुख है और उनका दर्पण स्व सन्मुख है, तो पर्याय में भी देखा जाए तो झलकाने का काम तो बराबर ही चल रहा है, झलकाने का काम तो चल रहा है, बस सन्मुखता का अंतर है,
ओहो, तो फिर उनमें और मेरे में, मेरे दर्पण में अंतर नहीं है। ऐसा जानते से ही वो अपने आत्मा को जान जाता है, और अपने आत्मा को जान जाता है उसका मोह सचमुच नष्ट हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? जो आत्मा के द्रवगुण पर्याय को जानता है, अभी पढ़ाए थे थोड़ी देर पहले, इसलिए तो कहा था 80 नंबर याद की थी अपन ने। ओहो, मेरा दर्पण उनके दर्पण में क्या फर्क, तो मेरा मोह नष्ट हो जाएगा, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। गाथा तो और भी है इसमें, एक और बहुत जोरदार गाथा है, तो गाथा है, सारी गाथा है बढ़िया है, मैं तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ, एक बार आपकी नज़रों से गुजरे जीवन में इसकी पढ़ाई। आपको मालूम है ये ग्रंथ है, एकमात्र दुनिया का ऐसा ग्रंथ है, जैनों का तो कम से कम है, अन्य लोगों का मैं नहीं कहता हूँ, हो सकता है अन्य ग्रंथ ज्यों के त्यों पढ़ाए जाते हों, मुझे मालूम नहीं इसलिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन जैनों का ये ग्रंथ ऐसा है जो वर्ल्ड की सारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है। सारी यूनिवर्सिटियों में जैन दर्शन में एकमात्र 100% पढ़ाया जाने वाला, अन्य ग्रंथों में आप देखते हो थोड़ा एक चैप्टर रख दिया, किसी ग्रंथ का इतना चैप्टर रख दिया, गीता का एक चैप्टर रख दिया, फला का एक चैप्टर रख दिया, पूरी कुरान नहीं पढ़ाई जाती, कुछ आयतें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन जैन दर्शन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है प्रवचन सार, जिसे पढ़ाई बिना जैन दर्शन की पढ़ाई पूरी नहीं होती, पढ़े बिना, तो इसकी पढ़ाई कंपलसरी है। तो आप जब भी समय मिले फाइनल वाले खाम खास तौर से सुन लें, बाकी लोग भी सुने, इसे पढ़ने का अभ्यास करें, और डॉक्टर साहब का अनुशीलन पढ़ें, प्रवचन सार का अनुशीलन, आपको 4 दिन की पढ़ाई के बाद अब कुछ कठिन नहीं बचा। बाकी लिखा है इंद्रिय ज्ञान वास्तव में सुख, इंद्रिय सुख सुख ही नहीं है, इंद्रिय सुख वास्तव में सुख नहीं है, दुख ही है इंद्रिय सुख। आगे लिखा है, इसी में पढ़ेंगे आप, स्वर्ग के देव भी दुखी ही हैं। बस समझा के जा रहा हूं, हाँ सबई सबई, इंद्र कह दिया मैंने चक्रवर्ती आई मैं सब, बस लिखा मिल जाएगा, फिर से सुनो सभी लोग। टोडरमल जी ने लिखा है कि स्वर्ग में और नरक में, स्वर्ग में और नरक में दुख ही है। हम सबको क्या लग रहा है अभी, नरक में दुख है और स्वर्ग में सुख है। सही सही बताओ क्या लग रहा है आपको, नरक में दुख और स्वर्ग में सुख। टोडरमल जी सामने लिखा है कि दुख ही कम ज्यादा है, 4 गति आपने पढ़ी, पहली ढाल का हेडिंग क्या है, 4 गति के दुख का वर्णन, ऐसा नहीं लिखा 3 गति के दुख का वर्णन और देव गति के सुख का वर्णन, नहीं लिखा, 4 गति के दुख का वर्णन है अभी भी, लेकिन दिमाग में बैठता नहीं जैनियों को कि स्वर्ग में दुख है, तो उन्होंने लिखा दुख ही कम ज्यादा है। कल हमने आपको पढ़ाया था पुण्य पाप नाम का 2 भेद है ही नहीं है, परिणमन मात्र है, लेकिन अभी भी दिमाग में खजाना थोड़ा कठिन लग रहा होगा, तो एक दृष्टांत देता हूं। ठीक, अमृतचंद स्वामी ने लिखा है दुख ही कम ज्यादा है, हम उसको सिद्ध करने की कोशिश कर रहे, खड़े हो डर, तुम तो ये खड़े हो, ये मोटरसाइकिल चला रहा था, ये उसके पीछे बैठा था, तुम्हारा गांव एक ही अलग लगे अलग, एक दिन तुम इनसे मिलने पहुंचे, ये मंदिर ले जा रहा था तुम्हें, मोटरसाइकिल चला रहा था, ठीक है, फिर इसने कहा यार तेरे नगर में तू मोटरसाइकिल तो चलाता ही रहता, मुझे भी तो चलाने दे, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, ये आगे बैठ गया, ये पीछे बैठ गया, अब 1 मिनट नहीं हुआ, नीचे बैठो 2 मिनट, पीछे हमें देखना है, तो अब ये दो ही जने ये मोटर चलाने लगे मोटरसाइकिल, और दोनों के सिर पे वो नहीं था हेलमेट, और चौराहे पे पुलिस ने पकड़ लिया, चलाने वाले की गलती जरा ज़्यादा बड़ी मानते हैं कि वो हेलमेट नहीं लगाए, तो उसमें पड़े 10 और पीछे बैठने वाले में पड़े 2, इन दोनों में से प्रसन्न कौन होगा, हाथ खड़ा करो हाथ खड़ा करो, तुम प्रसन्न क्यों हो, 2 पड़े तुमने, ये समझ गए, ये इसलिए खुश हो रहा है, इसका चेहरा देखो, इसका चेहरा देखो, सबको देखा, इसमें 10 पड़े
इसका चेहरा भी देखने लायक है। इसलिए खुश हो रहा, बच गए दो बड़े, इसमें तो 10 बड़े भगवान ने बचा लिया, पूजा नहीं करते तो। समझ गए कि नहीं भाई? ऐसे ये स्वर्ग और नरक, नरक में ज्यादा पढ़ते हैं, वहां कम पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। नरक और स्वर्ग, दूसरा दृष्टान, दूसरा दृष्टान। 105 बुखार था, 102 रह गया। फिर आप उसे पूछो, क्यों भाई तबीयत कैसी है? अरे अब बढ़िया, अब बढ़िया, अब नहीं बुखार। अरे 105 से 102 ही तो हुआ, भले आदमी बुखार है कि नहीं? सही बताओ, 105 की तुलना में 102 कैसा लगता है आपको? अरे अब कछु नहीं, कछु नहीं। पहले की खांसी नहीं देखी, अब की खांसी कछु नहीं, पहले। समझ गए? अधिक खांसी को रोग मान लेता है और कम खांसी को निरोगता मान लेता है। ऐसे ही बड़े दुख को दुख मानता है और छोटे दुख को सुख मानता है। वास्तव में अतिंद्रिय सुख ही सुख है, इंद्रिय सुख सुख नहीं है। और ऐसे ही अतिंद्रिय ज्ञान ही ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है। ओम नमः शिवाय। निज निधि ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चाहित क्यों कहा? कुछ पढ़ा प्रश्न? इसका पहला अध्याय का नाम है सम्यक ज्ञान अधिकार, जबकि जिनवाणी में हम पढ़ते हैं सम्यक दर्शन पहले, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चाहित। इसमें है सम्यक ज्ञान पहला अध्याय, दूसरा है सम्यक दर्शन और तीसरा है सम्यक चाहित। ये प्रश्न दिमाग में आ सकता है। तो ये इसलिए है कि बिना जाने हुए सद्धान नहीं होता, इसलिए वस्तु स्वरूप को जानेगा तो सद्धान होगा। इसलिए यहाँ सम्यक ज्ञान पहले रखा, जानेगा तो सद्धान करेगा, इसलिए सम्यक ज्ञान, और सद्धान होगा दूसरे नंबर पे, और जानेगा और सद्धान करेगा तो चारित अवश्य होगा। तो चारित एक एक बात अलग से बतानी थी तो बताई दी। चलो।